आज का ये नूरानी प्रोग्राम एक बच्चे की आमद के मौके पर इस महफिल पाक को रचाया और बसाया गया है। मौलाना करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आने वाले बच्चों को मौला तमाम आफातो बलैया से मौला महफूज फरमाए। हजरात गिरामी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी के घर पर लड़का पैदा होता है तो रहमत का एक दरवाजा खुला रहता है। यानी मेरे आका फरमाते हैं किसी के घर पर अगर बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो, तो रहमत का एक दरवाजा खुला करता है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि जिस घर पे बच्ची पैदा होती है तो रहमत के 10 दरवाजे खुला करते हैं। हजरते गिरामी, आज इस घर में बच्ची के आमद के मौके पर इस महफिल पाक को रचाया और बसाया गया है। हजरते गिरामी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी के पास 3 बच्चियां हो और वो उन बच्चियों की परवरिश करे और उनके वालदैन जब वो बच्ची बालिग हो जाए उन बच्चियों का मुनासिब रिश्ता तलाश करके अगर लड़की के माँ और बाप उसका रिश्ता कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके वालदैन की मफ़रत फरमा देता है। और ऐसे नहीं, हमने किताबों में पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सहाबाए किराम का नूरानी मजमा था, अल्लाह के नबी फरमाते थे अगर किसी के पास 2 बच्चियां हो उन बच्चियों की परवरिश कर दे और वो बच्चियां को डेली तालीम दिला दे और वो बच्चियां जब बाली हो जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चियों के माँ बाप की नफरत फरमा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबाए किराम का नूरानी मजमा है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा सुने, अगर किसी के पास 2 बच्चियां हो अगर उनके वालदैन उनकी शादी करके और मुनासिब रिश्ता तलाश करके और उनको दीनी तालीम दिला दे तो अल्लाह उनके माँ बाप की नफरत फरमा देता है। ऐसे नहीं बल्कि मेरे आका ने अपने दोनों उंगली को उठा करके और दोनों उंगली को मिला करके कहा जाए ऐसे हमारे दोनों उंगली मिले हुए है, ऐसे हम उन बच्चियों के माँ बाप से लेकर के मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। ये बच्चियों के बाप का, ये बच्चियों के वालदैन का रुतबा है। लिहाजा ए मुसलमानो, मेरे कहने का मतलब और मंशा ये है, अगर तुम्हारे पास बच्चा पैदा हो या तुम्हारे पास लड़की पैदा हो तो जितना खुशी आप बच्चों में मनाते हो उससे कहीं ज्यादा आप बच्चियों में मनाते रहे। अल्लाह के नबी साहब फरमाते हो ए मुसलमानो, आपको ये भी मालूम होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से आप बेपरवाह मोहब्बत फरमाया करते थे। और नाते गिरामी, हमने किताबों में पढ़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे पर जाया करते थे और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के पेशानी मुबारक को आप गोसा ले लिया करते थे और तोहफा लेकर के जाया करते थे। लिहाजा ए बच्चियों के वालदे, मैं आपको इस मिंबर रसूल से ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चियों से मोहब्बत करो और उनके घरों पर जाओ, तोहफा लेकर के जाओ और उनकी पेशानियों को आप गोसा देते रहो। अगर तुम अपने बच्चियों के पेशानियों का पोसा दोगे तो रसूल की सुन्नत भी अदा हो रही है और नए अमाल में अल्लाह नेकियों का इजाफा भी फरमाएगा। मौला करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक के बरकतों से आने वाली बच्ची जिसका नाम रोजा फातिमा है अल्लाह उसे पेटो आफियत अता फरमाए, तमाम माता को भलैया से मौला महफूज फरमाए। और आप शुक्र गुजार के साथ तस्वीर बता अगर अगला प्रोग्राम आपसे भी जाकर समाप्त फरमाए।